नमस्कार, मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर से। छपरा में सेना भर्ती को लेकर लगातार विवाद जारी है। अब छात्रों ने रेलवे को अपना निशाना बनाया है। आंदोलन कर्मियों ने छपरा जंक्शन के पास पैसेंजर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार आंदोलन कर्मियों ने इतने उग्र हो गए कि ट्रेन में ही आग लगा दी। पहले बोगी में तोड़फोड़ किया, वही छात्रों ने पहले ड्राइवर से मारपाट भी की। जब ड्राइवर भाग गया तो ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। जब सड़क पर अभ्यर्थी थे तो बस में भी तोड़फोड़ की। वे अपने मांगे को लेकर अड़िग थे। सेना नियम बहाली में जो भी बदलाव लाए गए हैं, उस बदलाव से उनमें आक्रोश है, गुस्सा भी है। नियमों में परिवर्तन को लेकर छात्रों में आक्रोश है और काफ़ी गुस्सा भी। वही प्रशासन द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। वही जंक्शन पर डीएम एसीपी पहुँच कर घटना की जानकारी ली। क्या है वर्तमान में? अभी पूर्ण शांति है। जो भी उपद्रवकारी यहाँ पे आए हुए थे, अभी उनको यहाँ से डिस्पर्स कर दिया गया है। अच्छा, अभी ये रेलवे जो उन्होंने किया है, किस ट्रेन को आग लगाई है? आग सर, एक वहाँ फलोडिया डीएमओ खड़ी थी, फलोडिया पैसेंजर, जो कि गंतव्य पे जाने के बाद जब आती है तो यार्ड में उसे खड़े किए गए थे, तो उसमें पीछे साइड में कुछ उसमें हल्का क्षति हुआ है, अभी उसका आकलन किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पूर्वी यार्ड में एक सैलून खड़ा था, तो सैलून में भी उन्होंने आग लगाया है, जिसमें लगभग उसका 60% के आसपास हुआ जल चुका है। 60 उसका भी क्षति का आकलन अभी किया जाएगा, अभी आकलन नहीं किया जा सका है। साथ ही साथ उनके द्वारा प्लेटफॉर्म 2 और 3 को बहुत अधिक क्षति पहुंचाया गया है। ठीक है, एक उसमें गोंदिया एक्सप्रेस थी और एक बलिया सियालदह एक्सप्रेस उसमें खड़ी थी। अभी किसी भी यात्री का मतलब कोई कंप्लेन नहीं आया है कि हमको छोटे लोग हैं, पूर्ण रूप से सेफ है। उपद्रवियों को रोकने के लिए गोली भी चलानी पड़ी। हाँ, अपने देखा गया कि अब वो लोग हम पे हमला मतलब चारों ओर से घेर लिए, लगा कि हम लोग अब उन लोगों के मतलब उस घटना के शिकार हो जाएंगे, तो अपने आप को बचाते हुए और हवाई फायर किया गया है। कितने राउंड? 8 राउंड फायर किया गया है, हाई फायर किया गया है, जिसे कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई है। हमारे एक एसआई है बिजेंद्र मिश्रा, उनको पैर में उस मतलब जख्म आया हुआ है पत्थर से, उनके पत्थरबाजी की वजह से। गिरफ्तारी भी हुई है सर? अभी उसका देखा जा रहा है, जीआरपी उसको बताएगी, उस पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, और इधर पार्सल साइड में लूटपाट भी हुई है क्या? नहीं, लूटपाट तो नहीं हुई है। उपद्रव का द्वारा प्लेटफॉर्म पे जो वेंडर्स के स्टॉल थे, उससे कुछ खाने पीने की चीजों को लूटा गया है। अभी उसकी भी स्पष्ट सूचना नहीं मिल पाई है, सूचना मिलने पे आपको। ठीक है, साथ ही साथ उनके द्वारा रेल संपत्ति को जलाने, बेसिकली उनका मेन उद्देश्य था, जो हमारा टीआरडी में वहाँ पे जो डीजल इंस्टॉलेशन है, वहाँ पे हमारा करोड़ों रुपए का डीजल है। अगर वहाँ पे वो लोग आग लगाते, उसके जस्ट बगल में इंजन में आग लगाए थे वो लोग, अगर वहाँ पे आग लगाते, जिसको रोकने के लिए विशेषकर से वहीं पे हम लोग उनको रोकना चाह रहे थे, अगर उनको नहीं रोके होते तो आज हमारे रेल कम से कम कई करोड़ का डीजल जल जाता और साथ उसको बुझाने के लिए हमें कई महीने लग जाते। आगे के सर क्या है मतलब? डीजल चिन्हित किया जाएगा, उनको फुटेज देखा जाएगा, उनको चिन्हित किया जाएगा और जेपी में उसके लिए मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।